सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों फाइनली बीएसएफ ट्रेड्समैन का तो सबका एडमिट कार्ड आ गया है। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भाई एडमिट कार्ड पे कहीं पर हमारा नाम गलत है, कहीं पर हमारा पिताजी का नाम गलत है, तो कहीं पर हमारा जन्मतिथि है गलत, तो कहीं पर हमारा एड्रेस गलत है, तो क्या हमको फिजिकल में जाने दिया जाएगा या फिजिकल में नहीं जाने दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीज़ बताने वाले हैं कि एडमिट कार्ड पे ठीक है यदि आपका आधार कार्ड पे नाम गलत है, आपके पैन कार्ड पे नाम गलत है, आपके 10वीं मार्कशीट पर नाम गलत है और आधार और एडमिट कार्ड में ठीक है, तो क्या आपको फिजिकल में जाने दिया जाएगा या नहीं। मतलब समझ लीजिए यही कि आपका कहीं भी नाम गलत है एडमिट कार्ड या आधार कार्ड पे, तो आप लोगों को फिजिकल में जाने दिया जाएगा या नहीं। और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एड्रेस है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर एड्रेस है और किसी का एड्रेस ही गलत है, मतलब एड्रेस में किसी का पिन कोड गलत है, तो किसी का डिस्ट्रिक्ट गलत है और किसी का यहाँ पर आधार कार्ड का ये ऑप्शन ही नहीं है, तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, मैं वो वीडियो बनाता हूँ जिस पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कमेंट यही आए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे कि फिजिकल में क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या होगा, रनिंग कितना होगा, लंबाई कितना होगा, सब डाटा जितना प्रोसेस है सब मैं इस चैनल पर वीडियो बना दिया हूँ। कोई भी एक वीडियो ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं छूटा है। यदि आप लोग जाके देख सकते हैं तो आपका जो भी डॉट है आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट का ये परेशानी है। तो चलिए दोस्तों इस परेशानी को सॉल्व करके हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें, एक बात ध्यान से आप लोग सुन लीजिए और देख लीजिए। आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर 5 बजे से लेकर और 6 बजे तक आप लोगों का फिजिकल होगा, मतलब आप लोगों को सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप लोगों को फिजिकल सेंटर पर रखा जाएगा शाम के 6 बजे तक। ये समझ गए, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि यहाँ पर ये 6000 हर्ट्ज क्या है, 600 हर्ट्ज क्या है, समझ गए आप लोग। तो चलिए अब इस बात को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि देख लीजिए, अभी आप लोगों का केवल फिजिकल हो रहा है, समझ गए, न डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, समझ गए। यदि आप लोगों का डॉक्यूमेंट चेक होता तब आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम को चेक किया जाता, आपका एड्रेस को चेक किया जाता, समझ गए। अभी केवल आपका फिजिकल हो रहा है, अभी केवल आपका आधार कार्ड, देख लीजिए, केवल आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। यदि आपका आधार कार्ड पे सब डाटा ठीक है, एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है, तो आप लोग वहाँ पर बोल दीजिएगा कि सर हमारा आधार कार्ड में देख लीजिए सब कुछ ठीक है, आप हमारा 10वीं का मार्कशीट देख लीजिए वह भी ठीक है, लेकिन प्रिंट जो हुआ है एडमिट कार्ड उसी में प्रॉब्लम है, समझ गए दोस्तों। तो आप लोगों को कुछ नहीं बोलेगा, फिजिकल में जाने दिया जाएगा। यदि हाँ, यदि एडमिट कार्ड पे ठीक है, आधार कार्ड में यदि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका जन्मतिथि में मिसमैच है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको वह फिजिकल में जाने दिया जाएगा। फिजिकल से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, फिजिकल से उसी को बाहर किया जाएगा जिसका एडमिट कार्ड पे पिताजी का नाम कुछ और रहेगा और वहाँ पर आधार कार्ड में कुछ और, मतलब एक दो अक्षर का मिसमैच चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा मिसमैच रहेगा। यदि पूरा का पूरा नाम में बदलाव है, पूरा का पूरा जन्मतिथि बदलाव है, समझ गए, जन्मतिथि, नाम और आपके पिताजी का नाम, ये तीन चीज़ महत्वपूर्ण है। यदि इसमें पूरा का पूरा बदलाव है तो आप कोर्ट से जाके आप एडमिट बनवा सकते हैं, नहीं तो फिजिकल में आपको दिक्कत करेगा, समझ गए। यदि एड्रेस गलत है तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, वह सब ठीक हो जाएगा, उसका ज़्यादा चेक नहीं होगा, केवल चेक होगा आपका फ़ोटो, आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका जन्मतिथि, यही तीन चीज़ चेक होगा। तो दोस्तों समझ गए आप लोग, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 22 मई से फिजिकल की पल पल की जानकारी इस चैनल पर हम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।